getting a glimpse of the everyday world of a transgender or a hijra was not proving to be easy. Transgender is an umbrella term for persons who do not identify with the sex they were born with, like hijras and kotis, who express a feminine gender identity and are the most visible among sexual minorities. Hijras belong to gharanas led by a hijra guru and live in closed communities or deras. Outsiders are rarely given access to the deras. Kotis live by themselves and often have a precarious relationship with the landlord and neighbors. On account of the gender expression, landlords are known to deny transgenders and hijras rooms on rent or to charge them higher rent than others. The more upscale the neighborhood, the greater their exclusion. Nevertheless, a few open their doors to us. Kiran and Jaya are in their 20s and are kotis, a term used for feminized males belonging to a poorer socio-economic group. They live in a gritty neighborhood in the capital, far from their families who are in the Andamans. Jaya's family has no idea that she lives as a koti in Delhi. मेरे घर पे अभी तक पता नहीं चला कि मैं कोती हूँ। जब भी मुझे प्रेशर करेंगे कुछ, तब मैं खुद ही अपने आप को मेरे घर पे एक्सपोज करूँगी। हमारे जो ये जगह है, विलेज एरिया है, वहाँ पे एक्चुअली ये सब चीजें इतनी जल्दी बता नहीं सकते, क्योंकि इट्स नॉट मेट्रो सिटी ना। हमारे वहाँ पे मीन्स एक इशू बन जाती है, मीन्स अचानक से क्या हो गया, ऐसे तो नहीं था, मीन्स उन लोग सोचेंगे, उन लोग बीमारी का नाम दे देंगे, मीन्स शायद ही कोई बीमारी होगा। स्टार्टिंग में हम भी लड़कों जैसे ही रहते थे, मीन्स उनके जैसे, लेकिन अपने आप को मीन्स दबा के रखते थे। मैं बहुत खुश हूँ अभी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अभी मीन्स फ्रीडम से जी सकती हूँ, यानी कि किसी दबाव में रह के अपने दिल का नहीं कर पाना, जैसा पहनना मुझे। While Jaya is learning the art of makeup, Kiran is an outreach worker with an NGO. They say there are few employment opportunities available to the transgender and hijra population. मैं जॉब भी करती हूँ और मतलब इसी सोसाइटी में सबके साथ, मतलब मैं समाज के साथ एक मिलकर रहना चाहती हूँ, चाहे समाज मुझे एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। और मैं हिजरा मतलब कम्युनिटी में, मतलब मैं उनसे मिलती हूँ, पर मैं प्रॉपर हिजरा कम्युनिटी में, मतलब एक डेरा में वैसा मैं नहीं रहना चाहता। कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं, या कोई काम मांगने जाओ तो उन्हें कोई काम नहीं देता है, तो उनके पास जब ऑप्शन नहीं बचता है तभी वो लोग प्रोस्टिट्यूशन के फील्ड में जाते हैं। और वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पुलिस जो आती है वो उनसे या तो ज़बरदस्ती करती है या डिमांड करती है सेक्स करने का, या उनका जो पैसा है वो बोलते हैं हमें आधा दे दो। 26-year-old Noori, a hijra, took up a room in a congested locality with Sneha barely a month ago. The room is bare and they have yet to settle in. अपना घर इस वजह से छोड़ा क्योंकि मेरी वजह से मेरे घर वालों को प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए मैंने अपना घर छोड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली शायद मुझे एक्सेप्ट कर भी ले एक बार को, बट जो मेरी फैमिली के अलावा जो मेरा बाहर का समाज है, वहाँ के लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, वो शायद मुझे एडजस्ट ना कर पाए। खुद मुझे मेरे ब्रदर्स वगैरह बोलते थे कि भाई तू यहाँ से निकल के जाए तो हम लोगों को ऐसा सुनने को मिलता है कि तेरे घर में एक ऐसे इंसान है, ये ऐसे है या वैसे है, एक हिजड़ा है। जब छोटी सी थी, जब मैंने स्कूल में पढ़ती थी, सब लोग मुझे बोलते थे लेडीज़ है, क्योंकि मेरा बिहेवियर जो था, मेरा लुक लाइक एज ए फीमेल, थोड़ा हर्ट होता था, फील होता था कि ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं। और जब ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में एक मेरे अलावा लगता शायद कोई भी नहीं है, कभी कभी लगता था कि अपनी जान दे दें। जब हम 10th स्टैंडर्ड में आए, फिर उसके बाद मैं कोई भी पता चला कि हाँ मैं, मतलब मेरा अट्रैक्शन जो है लड़कियों में नहीं था, मेरा अट्रैक्शन जो था वो एक मेल की तरफ था। Noori joined the hijra community 6 years ago and got the acceptance she sought. Sneha, on the other hand, calls herself a koti since she does not wish to be part of the structured and ritualistic community of hijras. But the conflict and rejection that began at home followed them everywhere. 26 सितंबर को मेरी गुरु और मैं और हमारे एक फ्रेंड हैं, वो हमारे साथ गए थे। हम लोग जैसे एंट्रेंस करने के लिए मेन गेट पर पहुँचे, तो वेस्टर्न मॉल वाले के वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि हिजड़े इज़ नॉट अलाउड। तो हमने बोला कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे काम से आए हैं, कोई हम यहाँ पे मांगने तो नहीं आए, बेगिंग तो नहीं कर रहे किसी चीज़ की।
पर फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, हिजरी अलाउड नहीं है, वो नहीं जा सकते। सामान लेने जा रहे हैं ऐसे अंदर, अंदर तो कोई है नहीं शॉप, सामान लेने वाली कोई शॉप नहीं है अंदर, मतलब घूमने के लिए भी नहीं जा सकते हम लोग। तो तू क्या करेगी मेरे बिना, घूमने जाएगी अकेले? In another part of Delhi, 21-year-old Hijra Falak tells us abuse and violence is an everyday reality. That घर, इस घर में ने इतने बुजुर्ग इंसान ने मेरे साथ ऐसा बिहेव करा था, ये अपनी अपनी किसी बहू के साथ करे, किसी बेटी के साथ करे, तो इन्हें पता चलेगा किन्नर्स की लाइफ क्या होती है। ऊपर से मुझे गाली देता है, मुझे बदतमीजी से सलूक कर रहा था, बहुत बदतमीज करी तरीके से ट्रीट कर रहा था इसके घर वाले, क्योंकि इस कॉलोनी में कोई नहीं चाहता इस टाइम पे कोई हिजड़ा रहे। ये देखो मेरी पिक्चर्स भी आई है, जो 377 लागू नहीं करा गया था, मैं उनके लिए भी लड़ाई कर रही हूँ कि उनका भी हक है, उनकी भी जिंदगी जीने का हक है, कि वो लोग भी गैस को जिंदगी जीने नहीं दे रहे। फलक एंड हर फ्रेंड्स वर बीटन बाय पुलिसमैन अ मंथ अगो। ये घटना हमारा दिवाली से पहले, दिवाली के बाद हुआ था। जैसे दिवाली के लिए मैं शॉपिंग करने आई थी इसके अंदर, अपने घर का राशन लेने, यहाँ से मैं निकलती हूँ, बस यहाँ तक पहुँचती हूँ तो एक पुलिस वाले ने मुझसे बदतमीजी कर, फिर यहाँ से मैं यहाँ तक आती हूँ तो पुलिस वालों ने मेरे से बहुत अत्याचार करा, उन्होंने नहीं देखा कि लड़की है, तो वो बंदा आता है, वो बंदा मेरे पास मेरे को डंडे मारता है। आप एक तरफ से खुद देख सकते हो, पीछे देखो पब्लिक कैसे देख रही है, मैं कह रही हिजड़ा ऐसा क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट देखो क्योंकि एक हिजड़ा हिजड़े क्या करने लगे। अभी मैं यहाँ से वहां तक भी जाएंगे, दुनिया में घूर घूर के देखेंगे। आज के टाइम पे उस लड़की ने क्या बिगाड़ा था जिसके साथ रेप भी करा गया था, तो आज उस लड़की के साथ रेप कर सकता है इंसान, तो आज हिजड़ों के साथ क्या नहीं होगा। मेरे अंदर भगवान ने कोई पंछी वाली रूह तो डाली नहीं है, मैं भी ऊपर वाले की देन ही हूं बनाई हुई, क्योंकि जैसा मुझे गॉड ने बनाया है, चल मैं ये मानती हूँ कि मुझे एक पूरा फीमेल नहीं बनाया, एक पूरा मेल नहीं बनाया, मगर मैं भी एक इंसान हूँ। 36-year-old Rudrani, who runs the community-led organization Mitra Trust, explains that the Hijra system of Guru Chela provides a support system, often their only one. Just because what you want to be, you're thrown out with from a place who have given you birth. I ask usually people question, where do you feel most, you know, most safe? And they say our homes, in, you know, in presence of our parents, you know. For this boy, if he's growing up, and he's not at all safe. I mean, there are possibilities that he may get murdered. Even if I'm thrown out of my family or my relative, I go and I don't go to the Hijra system. How many sectors are there where they can give me, you know, they can offer me any kind of a job? So, but if I go to this system and, you know, be part of the system or become a chela in this thing, I'll also get a financial support somehow. Maybe I'll. They'll teach me something. Maybe they'll teach me dancing. They'll teach me, you know, singing. They'll teach me anything. So there is a system. Of course, even if I go there as and do sex work, there is somebody. If I get picked up by police and get harassed by police, there are going to be a people who will come for me and, you know, save me. The transgender identity is a fluid one. Many of the Hijras we met said they were born a biological male and described themselves as Kotis till they joined the Hijra community. They opt to undergo removal of male external genitalia or get hormonal treatment. Very few Hijras are born intersexed. Despite a recorded history of more than 4,000 years in the country, Hijras are a disempowered group. We are having community since century down the line, religion has an acceptance, cultural there is acceptance, then why not, you know, basic constitutional rights, right, one thing only, forget about all the right, I would only mention that right of life with dignity is the biggest thing what we want. Like Republic of India should understand that, and the political arena, that there shouldn't be any forms for job applications. Why male, female? Why for education you have to have male, female? I always say that in India, everybody got freedom, except my community. Though we are the only sexual minority which is visible, but still we are treated as the invisibles. People treat us like the transparent glass. Our basic existence of human, being a human, is being declined.
Many transgenders remain hidden because of the lack of a well-defined organized community. For instance, those who are born biologically female and express a masculine gender identity. It's late evening as we reach Simran's house in another tough neighborhood. The 36-year-old was born in a Parsi family in Mumbai. Her father was a leading doctor. Simran left her family and joined the Hijra community at the age of 15. Her experience of gender is integral to her sense of being, but the third gender has no official recognition. I hold a valid passport from Delhi, and I made my passport in 2012, which says my gender as female. Because the passport authority people gave me an option that I have only two options for you. You either you claim yourself as a male or you claim yourself as a female. Now which one you want, you can choose yours. So I have no option but to go into female. But somewhere down my deep my heart, I feel that I am not a female. You know, I have always considered myself to be as a third gender. I have always considered myself to be as a Hijra community person, and I was not given that. तो बोले नहीं ये तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक इधर लागू नहीं किया है तो हम क्या करें मैडम ट्रांसजेंडर्स एंड हिजरास आर डिप्राइव्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द अदर टू सेक्सेस मेल एंड फीमेल दे आर इफेक्टिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोशल एंड कल्चरल लाइफ फ्रॉम द इकोनॉमी फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस